हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर के ऑफिस एलुरु डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है, जो कि हमारे विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रन करता है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि एज अ एलएलबी ग्रेजुएट्स हम लोग कौन कौन सी डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर के ऑफिस के लिए एलुरु डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने हमें जो सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो इन्होंने हमें लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की करी है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एलुरु के अंडर में है और इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और इसमें हमारे लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर आपकी एज बिलो 25 ईयर नहीं है और अबव 42 ईयर नहीं है, यानी अगर आपकी एज 25 टू 42 के इन बिटवीन है एज पर ऑन 1st जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उन 2 साल की प्रैक्टिस में मेजरली आपने प्रैक्टिस विमेन और चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग करा है तो आप इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको विमेन और चाइल्ड राइट्स के और प्रोटेक्शन इश्यूज के रिगार्डिंग एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपको एज अ लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के तौर पे मंथली जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 27,804 रुपीस प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी डेजिग्नेशन के बारे में जो हमें डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर एलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफर कर रही है। दूसरी डेजिग्नेशन हमें जो ऑफर करी जा रही है वो हमें पैरा लीगल पर्सनल की करी जा रही है या फिर आप लोग इसे लॉयर की डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं और ये हमारी दिशा वन स्टॉप सेंटर के अंडर में आती है और हमारे पैरा लीगल पर्सनल या फिर लॉयर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है अगर आपकी एज अबव 25 इयर्स है और बिलो 42 इयर्स है एज पर ऑन 1st जुलाई 2023 तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर।
इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपको लीगल नॉलेज अच्छी खासी है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आपकी ये 3 साल की प्रैक्टिस में आपने मेजरली विमेन रिलेटेड केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए और आपने इन 3 साल की प्रैक्टिस में 2 साल कोर लिटिगेशन करा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपने वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट अटेंड करे हुए होने चाहिए उनकी हियरिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, आपको एज अ पैरा लीगल पर्सनल या फिर एज अ लॉयर आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 20,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये जो पेज आ रहा है पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 को आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूँ हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने आगे की प्रिपरेशन शुरू कर पाए। तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको इन सारे फॉर्म को और इस एनेक्सचर को एनवेलप में डालना है और एनवेलप में डालने के बाद अगर आप पैरा लीगल पर्सनल यानी लॉयर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन को पोस्ट करना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एप्लीकेशन बिफोर 15th of February शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एड्रेस मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखा है, आप चाहे तो डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दिशा 1 स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल बिसाइड टीवी वार्ड आरआर पेट एलुरु डिस्ट्रिक्ट एलुरु, इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन को पोस्ट करना है। और साथ ही साथ अगर आप लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यानी अपने एनवेलप को जिस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डी नंबर 2521 बिसाइड न्यू हीरो शोरूम बैक साइड ऑफ अजंता स्वामी टेम्पल एनआर पेट एलुरु, इस डिस्ट्रिक्ट पे इस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है अगर आप लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। साथ ही साथ इसमें क्लियरली मेंशन कराए कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी, आपको मेक श्योर करना है बिफोर 15th of February आप इस फॉर्म को फिलअप कर दे और इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में आपका फॉर्म पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।